जी जय जिनेन्द्र। गाइस, आज ICSI की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है आपके सामने। आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सब्जेक्ट क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ CS एग्जामिनेशंस जून 2020 सेशन। तो जी, इसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि जी जो एग्ज़ाम्स 1 जून 2020 से 10 जून 2020 तक होने थे, वो सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं और अब वो एग्ज़ाम्स होंगे 6 जुलाई 2020 से, राइट? तो बेसिकली इन्होंने एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए हैं। इस नोटिफिकेशन में फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में तो बताया हुआ है, लेकिन CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया हुआ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जब जून में होने वाले एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, जून में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और ये बात तो मैं बहुत पहले बता चुका था कि मेरा ओपन चैलेंज है कि जून में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया में नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवा सकती। तो जब जून वाले एग्ज़ाम्स ही नहीं करवा पा रही ICSI, तो जो मई एंड में CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाले एग्ज़ाम्स होने थे, वो कैसे कंडक्ट कराएगी, राइट? तो ऑल दो मुझे लगता है कि ICSI बड़ी जल्दी उस चीज़ को लेकर नोटिफिकेशन ले आएगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मई में एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है, और इनफैक्ट जून में भी एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है। तो जो जुलाई में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स अब एक साथ जुलाई में ही एग्ज़ाम्स देंगे, और जुलाई में भी देखे कितना पॉसिबल है कितना नहीं वो तो पता नहीं, बट जो भी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अब एग्ज़ाम्स जुलाई में होंगे, राइट? तो जो स्टूडेंट्स CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट मई में देने की सोच रहे थे, आई थिंक क्लियर है कि मई में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे अब जुलाई में। ठीक है जी, तो आपके पास और टाइम मिल गया अपने आप को ज़्यादा पॉलिश करने का। वो काम मत करिएगा कि हम नहीं सुधरेंगे। जब 1 महीना रह गया था तो दिल ने कहा 1 महीना और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब 1 महीना और मिल गया तो दिल कह रहा है यार अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है। ये नोटिफिकेशन से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है, क्योंकि हम लोग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, और अभी 8-10 दिन पहले ही मैंने क्लासेस बनानी शुरू करी है। तो मुझे लग रहा था टाइम थोड़ा है, टाइमली मैं बच्चों को क्लासेस अवेल नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन ये जो मुझे टाइम गैप मिलता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, अगर मैं दिन रात मेहनत करूँगा तो टाइमली स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी, नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूँगा। हमारे चैनल दीप ज्ञान क्लासेस के ऊपर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, राइट? तो मैं भी मेहनत करूँगा ताकि आप लोगों तक ये बेनिफिट डिलीवर कर सकूँ, और आपको भी मेहनत करनी है ताकि आप लोग अपने आप को बेनिफिट डिलीवर कर सके। आप जो मेहनत करेंगे वो आपकी ज़िंदगी बनाएगा, मैं जो मेहनत करूँगा वो आपकी भी और मेरी भी दोनों की ज़िंदगी बनाएगा, ठीक है? तो हम नहीं सुधरेंगे वाला प्रोग्राम नहीं चलाना है, बल्कि जो टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करना है, 100% यूटिलाइज करना है, और अपने आप को ज़्यादा पॉलिश करना है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है। कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, घर पे बैठे बैठे आप यूट्यूब पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, राइट? तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हर स्टूडेंट का सिर्फ दो ही काम होना चाहिए। सबसे पहला काम, अपने आप को किसी भी तरह की बीमारी से दूर रखना, अपने आप को कोविड-19 से दूर रखना, और दूसरा काम पढ़ाई करना। उसके अलावा इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा, या फिर आगे जाकर कितनी मंदी होगी, उस चीज़ को सोचकर टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जो होगा सबके साथ होगा, उसमें तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो वो कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ गई तो वैसे ही सारी जितने भी सपने हैं सब
अधूरे रह जाएंगे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कीजिए। आपको गॉड की तरफ से एक एडिशनल टाइम फ्रेम मिल गया है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, जय जिनेंद्र।